गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। द बीमन्नी व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? आई होप इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो डी मार्ट में जो ऑफर है वो रमज़ान पे आज के दिन, वो इसमें मैंने सारा अपडेट किया है। अगर आपको रमज़ान की शॉपिंग करनी है और वो भी सस्ते दाम में, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये कम प्राइस में हर चीज़ पे ऑफर मिलेगा। जो भी ऑफर यहाँ पे अवेलेबल है वो मैंने इस व्लॉग में ऐड किया है। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा मेरा साथ दीजिएगा। तो फ्रेंड अब चलते हैं, घूमते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ पे, कोई भी प्रोडक्ट हो या शैम्पू हो, इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट है। जैसे इसकी जो प्राइस थी उस पर 70 रुपीज़ ऑफ था, और कुछ पे 50 रुपीज़ बाई वन गेट वन का ऑफ, या कोई किसी पे 25 रुपीज़ ऑफ। तो ऐसे कई सारे ऑफर यहाँ पे अवेलेबल है डी मार्ट में। आप ग्रोसरी देखिए या ऐसे सामान वगैरह, ये शैम्पू, हेयर ऑयल, कंडीशनर, इन सब चीज़ों पे आपको ऑफर ही ऑफर मिलेगा। तो जो भी ऑफर है इस व्लॉग में मैंने ऐड किया है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इस व्लॉग में यहाँ का जो स्टॉक है वो दिखा सकूँ, और इस व्लॉग में जो ऑफर है वो मैं आपको इस व्लॉग में दिखा सकूँ कि डी मार्ट में प्रेजेंटली क्या ऑफर चल रहा है और यहाँ पर आज का क्या ऑफर है। अगर आप रमज़ान में शॉपिंग करना चाहते हैं, आप शॉपिंग करके ईजिली यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग करके रख लीजिए सामान, और ताकि रमज़ान में सिर्फ इबादत में ध्यान दिया जाए। तो ये जो ऑफर है, अगर आप ऑफर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगे। अच्छा, इन सब की बात करूँ तो यहाँ पे एक स्टेशनरी का पूरा सेक्शन अलग ही बना है। बीच में ही थोड़ा अच्छा सा डेकोरेशन करके ये बच्चों के लिए स्टेशनरी यहाँ पर रखी गई थी। तो ये पेंसिल की प्राइस की बात करूँ तो 48 रुपीज़ की थी, कोई 50 रुपीज़ की थी, कोई 45 रुपीज़ की थी, और क्ले 150 रुपीज़ के थे। और यहाँ पे नोट्स का अलग अलग प्राइस था, और जो आप यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स देख रहे हैं, इन सब का प्राइस 80, 50, 150 ऐसे था। तो प्राइस भी मैं दिखाऊंगी। और एक ही छोटू सा ये स्टोरेज बॉक्स दिख रहा था, ये हर जगह अवेलेबल था। इन सब पे प्राइस कोट किया हुआ है, प्राइस आपको इजली दिख जाएगा, सब पर ही प्राइस कोट है। इन पर भी ऑफर था, जो बीच में बहुत ही प्यारा सा ऐसा सेक्शन बना के रखा था। इसमें कई सारे स्टेशनरी का सामान आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। अभी स्कूल खुल रहे हैं तो यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं इजली। ये देखिए ऐसे एस्ट्रोनॉट वाला बॉक्स भी था इनके पास। ये कलर्स अवेलेबल थे तो इसका प्राइस पे मेंशन है। ये लॉक है, मे बी हेलमेट और बाइक से लॉक लगाने का। इस ये स्टेशनरी का छोटा सा पैकेट है। और ये क्ले है, पेन का पैकेट था, इसका ऐसा ही पेन का पैकेट था, ऐसे बॉक्सेस में था, 150 का, 120 का, 80 का, सबका अलग अलग प्राइस था। ये देखिए 129 का भी था। तो ऑफर के साथ ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऑफर भी दिखे और यहाँ की जो स्टॉक है उसकी क्वालिटी भी आप देखते जाएं। नेक्स्ट आगे सेक्शन में बढ़िए तो यहाँ पे ऐसे ये किचन टॉवल मिल रही थी, जो 79 में 3 थी, 80 में 3 थी, 50 में 1 थी, 50 में 2 थी, 100 में 1 थी, ऐसे सबका प्राइस अलग अलग है। तो ये आपकी ये किचन से टॉल वगैरह रिलेटेड सामान मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बेडशीट भी मिलेगी, सिंगल आपको 169 के ऑफर में थी, डबल 400 रुपीज़ की थी, और कॉटन ग्लेस कई सारे के यहाँ पे फैब्रिक अवेलेबल थे। तो जैसे ये 399 की थी, ये कॉटन की थी, प्योर कॉटन की। ये ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेट थे, 959 प्राइस लिखा है, तो ऐसे प्राइस अलग है और सेक्शन वाइज डिवाइड है। आप अपने प्राइस अकॉर्डिंग यहाँ पे बेडशीट खरीद सकते हैं अपने घर के लिए। और अगर आपको किसी गिफ्ट देना है तो गिफ्ट के पर्पज से भी यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए ऐसे ये पेंसिल केस था, ये 99 रुपीज़ का था, और ये 15 रुपीज़ का वो किचन का पूछा था। ऐसे छोटे छोटे कंटेनर में ऐसे अलग अलग आपको चीज़ें ऐसे दिखती रहेंगी, जिसपे ऑफर भी अवेलेबल होगा और क्या उस पर स्टॉक है, क्या ऑफर है, वो सारे ही यहाँ अवेलेबल मिलेंगे आपको। यहाँ पे बहुत ही क्राउड होता है क्योंकि ऑफर यहाँ पे अच्छे होते हैं, तो ऑफर के इसमें लोग यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं। एक चीज़ मैंने शो की थी कि यहाँ पे स्टाफ यहाँ पे प्रोडक्ट जो है लेन में ऐसे सजाते जा रहे थे, वो स्टॉक आउट होते जा रहा था, फिर वो सजाते और फिर स्टॉक आउट हो जाता, तो काफ़ी क्राउड भी था और लोग यहाँ पे अच्छे से शॉपिंग भी कर रहे थे, घरों के लिए, अपने ग्रोसरी के लिए, किचन के लिए, स्टेशनरी के लिए, कपड़ों, सब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वो भी मैंने इस व्लॉग में ऐड किया। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। व्लॉग अभी तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। एक और ये जो मेन स्टेशनरी का जो एक सेक्शन ही अलग ही बना है,
आपको ऐसे कई सारे रैक में ये एक सेक्शन मिल जाएगा जो वहाँ पे था, वो डेकोरेशन के हिसाब से रखा था। यहाँ आपको पर पीस मिल जाएगा आपको इस रैक पे रखा हुआ, और पूरा स्टेशनरी का ही पूरा ये रैक अलग है, कई सारे रो में अलग अलग है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारा रो और विथ प्राइस और विथ ऑफर के साथ मैं इसमें ऐड कर सकूँ आपके लिए। तो मैंने इसलिए ऐसे ही ऐड किया कि सारे ऑफर के साथ ही यहाँ पे चीज़ें आप देखें, और स्टॉक क्या गया वो अवेलेबिलिटी देख लो आपकी क्या अवेलेबल है यहाँ पर, कि फिर कंपेयर कर लो कि बाहर कैसे मिलेगा, लोकल मार्केट में कैसे मिलेगा, ऑनलाइन कैसे मिलेगा, यहाँ कैसे मिलेगा। तो कंपेयर करके जहाँ आपको सस्ता हो वहाँ से आप परचेज़ करो। बट मेरा काम मेरा था कि मैं यहाँ पे जो ऑफ़र था वो मैं आपको इस व्लॉग में ऐड कर सकूँ। क्या पता यहाँ पे ऑफ़र अच्छा हो, क्या पता आपके लोकल शॉप में अच्छा हो। खैर आगे बढ़ते हैं। ये सारी स्टेशनरी का पूरा रैक है, ये काफ़ी बड़े इस पे रैक इनका है, काफ़ी अच्छी जगह पे इनका स्टेशनरी का रैक है, और ज़्यादातर स्टेशनरी यहाँ पे अवेलेबल थी। देखिए एक एक करके मैं आपको शो करती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स सभी पर ऑफ़र था, हाँ सब पे ऑफ़र था। आप कोई भी सामान यहाँ से परचेस करते हैं तो सभी पे ऑफ़र था। ये मैं नहीं कह रही, आप एक बार डी मार्ट जाके देख लेना, वहाँ पे ऑफ़र की लाइन दिख जाएगी आपको। तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही ऑफ़र था, और ऐसा नहीं कि स्टॉक आउट था सारी चीज़ें, स्टॉक भी काफ़ी अवेलेबल था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का स्टाफ जो था स्टॉक आउट होता यहाँ पे जल्दी जल्दी वो रैक को अच्छे से स्टॉक से भर देते, फिर स्टॉक आउट होता फिर स्टॉक लगा देते। तो उनका ये जो है ना रोटेशन लगा हुआ था। आप यहाँ पे जाना, पहले अच्छे से घूम लेना मार्केट में, फिर जो प्राइस अच्छा लगे जो ऑफर अच्छा लगे तो परचेस करना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं, आप घूम के वापस आ जाएं। तो ये पूरा स्टेशनरी का सेक्शन मैंने ज़्यादा कवर किया क्योंकि अभी स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टेशनरी अवेलेबल थी, हर क्लास से रिलेटेड थी, आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। ये देखिए पूरा सेक्शन ही पूरा स्टेशनरी का था। ये छोटी सी बटरफ्लाई थी, क्या थी मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छी लगी थी, मुझे लगा ये डेकोरेशन के लिए स्टिकर वगैरह कुछ है। और ये नोट पैड है छोटे, और ये कलर के ड्राइंग के लिए आप अपने बच्चे के लिए खरीद सकते हैं कि इसको देख करके वो सेम कलर कर सके। बस ऐसे ही घूमते रहिए और यहाँ का प्राइस देखते रहिए, ऑफर देखते रहिए। अब तो हम थोड़ा ग्रोसरी के लेन में आ गए हैं, तो ग्रोसरी पर भी ऑफर था, यहाँ आटे दाल चावल सभी चीज़ों पे ऑफर था। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सामान खरीद सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो खरीद लीजिए, जिस पे ऑफर अच्छा लगे या जो सामान अच्छा लगे वो आपकी मर्जी है। ये ऑफर का ये लेन था, ये आटों का था, आटे और चावल पे ऑफर था, तो ग्रोसरी पर भी काफ़ी ऑफर था, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेशनरी पर था, ग्रोसरी के लिए भी ऑफर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और कपड़ों का भी था यहाँ पे, बॉयज़ के भी, गर्ल्स के भी, और किड्स का भी कपड़े यहाँ मिलते हैं, तो उन पर भी ऑफर था। इसमें मैंने पूरा स्टेशनरी का ऐड किया और ये ग्रोसरी का, और व्लॉग में मेरे साथ हमें बने रहिएगा, अभी और ऑफर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपको कोई नॉलेज मिली हो इससे, कोई बेनिफिट मिला हो इस व्लॉग से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे घी का सेक्शन था, 620 रुपये का 1 लीटर था, तो सारे कई सारी कंपनियों के थे, तो सबका प्राइस के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस डिवाइड था, ऑफर भी था। अब ये ऑफर सही था या नहीं ये आप देख लेना। खैर मैं आगे बढ़ गई। ये पूरा ऑयल का सेक्शन था, यहाँ पे कई कंपनी के तेल यहाँ पे रखे थे, सरसों के थे, ऑलिव ऑयल थे, सारी चीज़ें थे, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे ले लेना। अच्छा जिन्होंने यहाँ पे शॉपिंग की है और वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे ऑफ़र अच्छे होते हैं या अगर हम लोकल शॉप पे सामान खरीदें कि वो ऑफ़र अच्छे मिलते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे और फ्रेंड उनको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हम कहाँ से, ज़रूरी नहीं कि हम डी मार्ट ही जाएँ, अगर डी मार्ट में ऑफ़र है अच्छी है तो हम खरीद लें, और अगर हमें वही लोकल मिल रही है तो फिर हम लोकल खरीदेंगे, या जो भी आप प्रिफर करते हो। तो अगर आपने ऐसा कुछ कंपेयर किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हमारे और भी फ्रेंड हैं उनको इससे प्रॉफिट लाभ मिलेगा, उनको पता चलेगा, उनको जानकारी मिलेगी इसकी।
ये मसालों का भी एक पूरा अलग रैक है इनका। यहाँ पर हर तरह के मसाले थे, चाय के चाय मसाले भी थे इनके पास, और बाकी मसाले तो है, गरम मसाले और हल्दी मिर्च ये सब तो थे, चीनी चाय पत्ती ऐसे, चावल पे कई तरह के चावल भी थे इन पर, इनका भी प्राइस अलग अलग था। जैसे कि बासमती चावल, तो फिर अगर आपने चावल यहाँ से लिया तो आपको पता होगा यहाँ पे कई तरह के चावल थे, और जिन्हें पहचान है अच्छे से तो वो यहाँ पे इसलिए खरीद सकते हैं। बाकी ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ कि ऐसे आपको दिखेंगे, ऐसे बैग होंगे, बैग में आपको वो रखिएगा, आधा किलो 1 किलो धो लेना, और वहाँ से आप पैकेजिंग करा करके वेट करवा के उसको पे स्टिकर लगवा लीजिए, फिर बिलिंग के लिए जाइएगा। ऐसा नहीं कि आपने उठाया और बैग में रखा और बिलिंग के लिए चले गए, ऐसा मत करिएगा। पहले आप यहाँ पे ग्रोसरी बैग में रखिएगा, उस पर वहीं पे स्टाफ होता है उनसे टैग लगवाइए, फिर आप यहाँ वहाँ बिलिंग कराइएगा, वरना फिर ज़्यादा आपको भाग दौड़ मच हो जाएगी। अच्छा, ये सेक्शन पूरा जो है मसालों का है, यहाँ पे आपको सारे दालचीनी वाले मसाले, गरम मसाले सारे मिल जाएंगे। तो ये ऐसा ये दिखने में, ये सारा ऑफर से भरा था, 126 मूंगफली ऐसे करके पैकेट लेके यहाँ पे स्टाफ को दे दो आप, वो इस पर स्टिकर लगा देगा कितना केजी का कितना प्राइस होगा, तो वो उसका स्कैन करके आपको प्राइस बता देंगे। तो ये सारा ग्रॉसरी का सेक्शन था, तो इससे आई होप आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी इस व्लॉग से कि यहाँ पे क्या ऑफर है, कि आप स्टेशनरी पर और ग्रॉसरी पर और भी कई सारे ऑफर थे, कई सारे सेक्शन हैं यहाँ पर। फ्रेंड, ब्लॉग कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिएगा। तो ये सारे सेक्शन मैंने आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किए, ब्लॉग कैसा लगे तो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, हमेशा मेरा साथ दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।